जीवन में आप लोगों को ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ा है, इतनी छोटी आयु में, वो भी दूर अकेले, मैं कल्पना कर सकता हूं कि किस प्रकार की मानसिक परिस्थिति से आपको गुजरना पड़ा होगा। कठिनाइयों के बीच भी हम ठीक से अभी इवैक्यूएशन कर पा रहे हैं। हम लोग तो उम्मीद भी छोड़ दिए थे कि वापस इंडिया जा पाएंगे, क्योंकि 2 मार्च की हम लोग की फ्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई थी। जब इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट वर्क किए तो हम लोग को एक नया उम्मीद मिला कि वापस इंडिया जा पाएंगे। ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक कि विदाउट इंडियन गवर्नमेंट हेल्प हम इंडिया वापस सेफली आ पाते। हमें इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी, हमारे लिए फ्लाइट अवेलेबल थे, हमें एयरपोर्ट जाने का एकदम आराम से सुविधाएं मिली, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, बहुत अच्छे से हमारे बाकी सारे स्टूडेंट जो फंसे हुए थे वो कल भी लैंड कर गए हैं, कुछ आज लैंड कर गए हैं। थैंक यू मोदी सर, हम लोगों ने बहुत बहुत आराम से हम वहाँ से निकल गए हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमारे कंट्री में पहुँचाया, तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि आपका बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुझे मेरे घर तक सुरक्षित पहुँचाया। और मुझे विश्वास है कि और भी जो बच्चे फंसे हैं आप उन्हें भी जल्द से जल्द उनके घर पहुँचा देंगे। सर, 24 तारीख को जब अटैक हुआ तो हमें लगा था कि हम यहाँ से अपने देश वापस नहीं जा पाएंगे, और सर 2 रात हम ऐसे गुजारे जैसे लगा है कि हम मौत को कितने करीब से देख चुके हैं। बट सर, मुझे गर्व है कि मैं भारत देश का वासी हूँ, और गर्व है मुझे यहाँ के सरकार पे, शराब पे। और सर, सबसे ज्यादा गर्व मुझे महसूस होता है अपने तिरंगे पर। जब हम इवैक्यूएशन से आ रहे तो हमें ऐसी नोटिस मिली थी कि आप अपने बस के आगे और खिड़कियों पे तिरंगे को लगा दीजिए, ताकि जब रशियन आर्मी देखेगी तो आपके केवल तिरंगे से वो आपको टच भी नहीं करेगी। और इस तरह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसे महान देश में पैदा हुआ। उस ड्यूरेशन में हमारे पास कोई होप नहीं था, और सिंगल होप ओनली इज दिस कि हमारा गवर्नमेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर, स्पेशली यू सर। सर, भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आप थे, मोदी जी हमें बचा लेंगे। अब जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं, अब इससे बड़ा हम कुछ कह नहीं सकते सर। पेरेंट्स अब होप खो देते हैं सर, क्योंकि हमें बचाने के लिए हमारे पेरेंट्स कुछ भी कर सकते हैं, पर उस सिचुएशन में सर पेरेंट्स कांट डू एनीथिंग, एंड दैट टाइम दे आर ऑल विशिंग फ्रॉम गॉड एंड दे आर ऑलवेज, आई हैव नो वर्ड सर। घर में 100 बार नाम सिर्फ आपका लिया जाता था कि मोदी जी कुछ कर लेंगे, वो ही कुछ कर सकते हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट पहली बार हमने इंडियन झंडे की ताकत देखी। हम जब बस पे जाते थे तो करीब 25 चेक पोस्ट हमें मिली जहां पे हमारी चेकिंग हुई, आर्मी अंदर आई, बट उन्होंने छोड़ दिया हमें, मतलब हमारे फ्लैग को देख के छोड़ दिया। इवन जो अदर कंट्रीज के बच्चे थे, नाइजीरियन, मोरक्कन, वो सब हमारे झंडे को यूज करके वो लोग वहां से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर इवैक्यूएटिंग अस, थैंक यू सो मच सर। मेरी दादी ने मुझे ये बोला था कि, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में है, तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पिताजी ने तो ये वॉर नहीं देखा जो तुम फेस करके आ रही हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मोदी सरकार जी पे पूरा भरोसा है कि अगर कोई नहीं तो वो तो आपको जरूर ही निकाल देंगे। जब अटैक हुआ था 24 को, तो 25 को हम सारे राशन वाशन की लाइन में लगे, हमें लगा कि 1 हफ्ते लग जाएंगे हमें इवैक्यूएशन के लिए, लेकिन हमें 26 को ही मैसेज आ गया कि आज आपका इवैक्यूएशन है। हम बॉर्डर पहुंचे, फिर वहां से हम रोमानियन बॉर्डर को क्रॉस किया, और फिर वहां से इंडियन एम्बेसी ने हमारा बहुत साथ दिया, हमें तुरंत इवैक्यूएट किया गया, फ्री फ्लाइट्स, फ्री एवरीथिंग। मेरे पास तो इंडियन करेंसी भी नहीं थी लाने के लिए कुछ, तो हम लोग सो ही नहीं पा रहे थे कि अटैक हो गया, अब हम लोग के साथ भी कुछ भी हो सकता है। और जब हम लोग स्टडी के लिए गए थे उसके जस्ट 1 हफ्ते बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया, तो उसके बाद मेरी मम्मी इतना ज्यादा पैनिक होती थी हमेशा कि तुम कब आओगी, कैसे आओगी, अब मैं कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो उनके पैनिक होने से मैं भी पैनिक हो जाती थी, तो जैसे ही उनको पता चला कि सरकार ने इतना इंतजाम किया है आ जाऊंगी, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, आपको इतनी दुआएं दी हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा जिए, उसके बाद हम लोग को जरा सी भी दिक्कत कहीं भी महसूस नहीं हुई। हमारा इंडिया इतना अच्छा है कि हमारे फ्लैग के जरिए दूसरे नेशंस के लोग निकल रहे हैं, तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारा देश मजबूत हो, इन सारी समस्याओं का समाधान उसी में है। उसी प्रकार से मैं तो अभी भी मानता हूं कि अगर देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। कौन माँ बाप चाहते कि इस छोटी उम्र में
अकेले भेजते, कोई माँ बाप नहीं चाहता, लेकिन हम लगे हैं। देखिए पहले करीब 300-400 के बीच में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज थी, अब हम करीब 700 तक पहुँच गए हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं। पहले हमारे देश में कोई 80-90 हज़ार के बीच में सीटें थी, अब पिछले 5 साल में हम उसको 1.5 लाख तक पहुँचा दिया है। यूपी में भी नए 2100 विद्यार्थियों के लिए सीटें बनाई हैं। यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी करीब करीब डबल हो रही है, और मेरी कोशिश है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। जिस प्रकार की कोशिश हम कर रहे हैं, तो शायद 10 साल के भीतर भीतर पिछले 70 साल में जितने डॉक्टर बने हैं उतने नए 10 साल में बन जाएंगे जी। इतना बड़ा काम हो जाएगा, तो फिर बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, मजबूरियाँ ख़त्म हो जाएगी, परिवार को भी टेंशन नहीं होगा। तो मेरी ये कोशिश है, लेकिन अच्छा है सबको ये बताइए कि भाई देश के लिए तो कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, समाज का कर्ज कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इस संकट के समय स्वाभाविक है, क्योंकि अगर कोई बच्चा गुस्सा भी करता है तो मैं मानता हूँ ये स्वाभाविक है भाई, इतनी मुसीबत से आया है और इतनी ठंड में इतना चलना, तो ये बहुत स्वाभाविक है। अगर किसी बच्चे को, उसके माँ बाप को भी अगर गुस्सा है, इवन मेरे लिए, तो भी मेरा मत है कि उसका एक गुस्सा जायज है, जायज है। खैर जब समझेगा, मन शांत होगा, तो फिर प्यार भी करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके परिवार को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं भैया।